हेलो दोस्तों, कैसे हैं? गुड आफ्टरनून मेरे स्टूडेंट और दोस्त। हम आपको आज स्क्रैपर के बारे में बताएंगे। इसके पहले हमने चीजल के बारे में बताया है। चीजल जो था एक कटिंग टूल थी, और तुम्हारा स्क्रैपर भी एक कटिंग टूल है। स्क्रैपर क्या है? एक कटिंग टूल है जिसके द्वारा हम हॉट स्पॉट को दूर करते हैं। कुछ सी जॉब पर अगर हॉट स्पॉट है तो उसको स्क्रैपर के द्वारा खुरच कर स्क्रैपिंग करके उसको दूर कर देते हैं। अधिकतर क्या होता है, जॉब को फाइलिंग कर देते हैं, ग्राइंडिंग कर देते हैं, तब भी जॉब एक्यूरेसी में नहीं बन पाती है। तो उस एक्यूरेसी को और अधिक एक्यूरेसी बनाने, जॉब को अधिक एक्यूरेसी बनाने के लिए, जो उसमें हॉट स्पॉट होते हैं उसको दूर करने के लिए ही हम स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं खुरचनी। स्क्रैपर कई प्रकार के होते हैं, पुश टाइप और पुल टाइप। पुस्ट टाइप स्क्रे पर और दूसरा पुल। पुल टाइप स्क्रैपर, पुश टाइप स्क्रैपर, पुल टाइप स्क्रैपर। पुश टाइप स्क्रैपर क्या होता है? मतलब पुश, मतलब पुश करना, पुश करना, कोई जवाब है इसको पुश करना, पुश करके उसको खुरचा जाता है, स्क्रैप किया जाता है। और पुल टाइप स्क्रैपर मतलब होता है अपनी तरफ खींचना। पुल मतलब खींचना, अपनी तरफ खींचना। कोई हॉट स्पॉट को दो तरह से स्क्रैपिंग की जाती है, खुरचा जाता है। जैसे पुश टाइप में आगे पुश करना, ढकेलना, मतलब पुश करना, पुश टाइप करते हुए स्क्रैपिंग की जाती है। और पुल टाइप मतलब अपनी तरफ खींच करके स्क्रैपिंग की जाती है। दो प्रकार होते हैं, पुश टाइप स्क्रैपर और पुल टाइप स्क्रैपर। ये आपका स्क्रैपर है, ये हैंडल है, ये कटिंग पॉइंट है, ये बाकी इसकी लेंथ है, ये बॉडी भी बोल सकते हैं, ये नेक है। हैंडल है, ये कटिंग पॉइंट है, पॉइंट बोल सकते हैं, नेक है, ये नेक, शोल्डर, शोल्डर भी बोल सकते हैं। इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ है, लेंथ है। इसके बाद स्क्रैपर के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्क्रैपर, स्क्रैपर, स्क्रैपर कितने प्रकार होते हैं? पहला फ्लैट टाइप स्क्रैपर, फ्लैट स्क्रैपर। फ्लैट स्क्रैपर क्या होता है? इस फ्लैट जाबों पे, प्लेन जाबों पे, समतल जाबों को स्क्रैप करने के लिए
इस स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है। मान लो तुम्हारा जॉब है, इस जॉब पे जो हॉट स्पॉट होते हैं, थोड़ा थोड़ा उभरे हुए पॉइंट होते हैं, ग्राइंडिंग करने पर भी फाइलिंग करने पर भी ये दूर नहीं होते हैं, तो इसी को हॉट स्पॉट को फाइलिंग स्क्रैप करने के लिए, हॉट स्पॉट को दूर करने के लिए हम स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। थोड़ा थोड़ा आप हॉट स्पॉट हो जाता है, उभरे हुए पॉइंट होते हैं जो एक्यूरेसी को कम करते हैं, इसी इसको हॉट स्पॉट को कम करने के लिए हम स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद दूसरा हाफ राउंड स्क्रैपर, हाफ राउंड स्क्रैपर ये अर्धगोल होती है, आकृति इसकी शेप जो होती है अर्धगोल होती है। इस स्क्रैपर का प्रयोग जो गोलाकार अगर जॉब है, हाफ राउंड कोई जॉब है यहाँ पे इसको स्क्रैप करने के लिए जो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हॉट स्पॉट थोड़ा थोड़ा आ जाते हैं उसको स्क्रैप करने के लिए हाफ राउंड स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। फ्लैट स्क्रैपर का प्रयोग जो समतल है उसको स्क्रैप करने के लिए करते हैं। हाफ राउंड का स्क्रैप जो मान लो बियरिंग हुआ, हाफ राउंड होती है, सिलेंड्रिकली जॉब है, तो वहाँ पर अगर हॉट स्पॉट है उसको स्क्रैपिंग करना है तो हाफ राउंड स्क्रैपर से हम स्क्रैपिंग करते हैं। ये आपका हाफ राउंड स्क्रैपर यहाँ प्रयोग होगा। अगला ट्रायंगुलर स्क्रैपर मतलब त्रिकोणी, इसकी आकार जो होती है त्रिकोणी होती है, त्रिकोणी शेप में होता है, त्रिकोणी शेप में होता है। अगर कोई जॉब आपका त्रिकोणी आकार में है तो वहाँ यहाँ सब में अगर हॉट स्पॉट यहाँ सब में है तो उसको दूर करने के लिए हम इस स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। ट्रायंगुलर स्क्रैपर अगर हमारा जॉब त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर है तो वहाँ पर हॉट स्पॉट अगर है तो हम ट्रायंगुलर स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद स्क्रैपर आपका जो इसका मटेरियल जो होता है, मटेरियल ये हाई का ये जो है स्क्रैपर आपका स्क्रैपर टूल स्टील या इलाय स्टील के बनाए जाते हैं, टूल स्टील या इलाय स्टील के बनाए जाते हैं, टूल स्टील या इलाय स्टील के स्क्रैपर बनाए जाते हैं। उसके कटिंग पॉइंट को हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है, इसके जो एक कटिंग पॉइंट है जो काटता है उसको हार्ड एवं टेम्पर कर देते हैं। एक उसकी मटेरियल जो होती है टूल स्टील या एलाई स्टील के बनाए जाते हैं। इसको अगर यूज करना होता है तो सबसे पहले ग्राइंड कर लेते हैं, इसके बाद ऑयल स्टोन होता है, पत्थर होता है जिसको कहते हैं ऑयल स्टोन, इस पर को इसके धार को हम तेज़ कर लेते हैं, इसकी धार तेज़ हो जाती है तो सही से स्क्रैपिंग करती है, सही से जॉब खुरचती है। स्क्रैपिंग विधि, मेथड ऑफ स्क्रैपिंग,
स्क्रैपिंग करने की भी कैसे स्क्रैपिंग की जाती है। मान लो ये हॉट स्पॉट है, हम स्क्रैपर द्वारा ऐसे स्क्रैपिंग किए, फिर इसके बाद इसके समकोण में, इसके 90 डिग्री में हम ऐसे स्क्रैप करेंगे उसी स्थान पे, ऐसे ऐसे स्क्रैपिंग करते हैं, फिर इसके 90 डिग्री पे जो पहले किए रहते हैं उसी के 90 डिग्री पे हम स्क्रैपिंग करते हैं। इससे आपका सही स्क्रैपिंग हो जाएगा। इस तरह ऐसे स्क्रैपिंग किए, फिर उसको इस तरह ऐसे स्क्रैपिंग किए। इसके द्वारा बहुत कम मटेरियल रिमूव होती है, बहुत कम मटेरियल कटती है। स्क्रैपर की लंबाई जो होती है, लेंथ है, स्क्रैपर की लेंथ है 100 से 200 मिलीमीटर तक होती है। 100 से 200 मिलीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। ISI के अनुसार, भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार, स्क्रैपर की लंबाई 100 से 200 मिलीमीटर होती है। और कटिंग एज की, कटिंग पॉइंट बोलो या कटिंग एज बोलो, इसको कटिंग एज भी बोल सकते हो, कटिंग एज भी बोल सकते हो, उसकी चौड़ाई जो होती है 20 से 30 मिलीमीटर होती है। उसकी चौड़ाई कितनी होती है? 20 से 30 मिलीमीटर होती है। कटिंग एज की चौड़ाई, ब्रेथ 20 से 30 मिलीमीटर होती है। अगर स्क्रैपिंग कर रहे हैं तो स्क्रैपिंग का झुकाव जो होता है 30 डिग्री होनी चाहिए। स्क्रैपिंग का झुकाव कितनी होनी चाहिए? 30 डिग्री होनी चाहिए। स्क्रैपिंग का झुकाव, अगर हम स्क्रैपिंग कर रहे हैं तो स्क्रैपिंग का झुकाव 30 डिग्री होनी चाहिए। अगर 25 मिलीमीटर वर्ग सतह पर 20 निशान आ जाएं, कितना? 25 मिलीमीटर वर्ग सतह पर, 25 मिलीमीटर वर्ग सतह पर 20 निशान आ जाएं, 20 निशान आ जाएं तो आपका जॉब सही है। 25 वर्ग मिलीमीटर एरिया में अगर 20 निशान आ जाते हैं, ऐसे ऐसे निशान, तो आपका जॉब सही है। स्क्रैप अगर आपका ये जॉब है, इसको चेक करने के लिए सरफेस प्लेट होती है। सरफेस प्लेट पे प्रेशर में ब्लू लगा देते हैं या रेड लेड लगा देते हैं और इसके सरफेस पर पतली लेप लगा देते हैं, और इस पर जॉब ऐसे रगड़ते हैं जहाँ हॉट स्पॉट रहता है वहाँ पर आप रेड लेड या प्रेसिजन ब्लू जो होती है उस पर लग जाती है, और उसको जहाँ लग जाती है उसी को स्क्रैपर के द्वारा हम स्क्रैपिंग कर देते हैं, खुरच देते हैं। इससे आपका जो जॉब होती है सही बन जाती है। सावधानियाँ, इसके बाद कोई भी चीज़ कर रहे हैं उसका सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। उसकी सेफ्टी प्रकाशन, सेफ्टी प्रकाशन बहुत ज़रूरी होती है। कोई भी चीज़ कर रहे हैं सेफ्टी साथ कार्य करना चाहिए। क्या करना है? स्क्रैपिंग करते समय स्क्रैपर के हैंडल और हाथ में ऑयल नहीं लगा होना चाहिए, और स्क्रैपर को भली भात साफ करके ग्राइंडिंग करना चाहिए। इसके बाद ऑयल स्टोन पर इसके धार को तेज कर लेना चाहिए। और स्क्रैपिंग की हुई सतह पर, यहाँ मान लो हॉट स्पॉट स्क्रैपिंग हमने किया है तो
इसमें हाथ नहीं फेरना चाहिए, जॉब पर हाथ नहीं फेरना चाहिए, इससे क्या होगा, इस जो धातु के कड़ होते हैं हाथ में चुभ जाएंगे, हाथ में लग जाएंगे। और अगर सरफेस प्लेट पे जॉब को इस रगड़े हैं, मतलब इस पर चेक कर रहे हैं, फिर इसके बाद जो उस जॉब पर हाथ नहीं फेरना चाहिए, इसके अगर फेरेंगे तो हॉट स्पॉट जो होगा मिट जाएगा, तो इससे नहीं पता चल पाएगा कि हमको कौन सा पॉइंट को स्क्रैपिंग करना है। और काम कार स्क्रैप मतलब कार करने के पश्चात स्क्रैपिंग करने के पश्चात स्क्रैपर को अच्छी तरह से साफ करके जहाँ रखा जाता है उसको वहाँ पर सुरक्षित रख देना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए स्क्रैपिंग करते समय बहुत अधिक दबाव दे करके स्क्रैपिंग नहीं करना चाहिए। स्क्रैपर के द्वारा 0.005 मिलीमीटर से 0.007 मिलीमीटर तक धातु की मात्रा को स्क्रैपिंग कर सकते हैं। कितने स्क्रैपर के द्वारा कितने धातु स्क्रैपिंग कर सकते हैं, 0.005 मिलीमीटर से 0.007 मिलीमीटर तक धातु को हम स्क्रैपिंग कर सकते हैं। ज़्यादा धातु को हम नहीं काट सकते, स्क्रैपिंग ज़्यादा धातु नहीं कर सकते हैं, इतना 0.005 मिलीमीटर या 0.007 मिलीमीटर तक हम मेटल को स्क्रैपिंग कर सकते हैं, धातु को खुरच सकते हैं। इसके बाद हम पहले बताए थे आपको चीजल, चीजल में एक चीजल था, चीजल के बारे में बताए थे। बेब चीजल जिसको बोलते हैं, बेब चीजल को हम भूल गए थे, आपको बता दे रहे हैं, बेब चीजल बेब चीजल के बारे में बता दें, उसको हम छूट गया था। तो बेब चीजल क्या होता है, बेब चीजल जैसे मान लो आपने चैन डीलिंग किया, चैन डीलिंग क्या होती है, एक डील यहाँ कर दो, इधर ऐसे ऐसे चैन डीलिंग, उसको कहते हैं चैन डीलिंग, चैन के क्रमानुसार जो डीलिंग होती है उसको हम बोलते हैं चैन डीलिंग। अब चैन डीलिंग करने के बाद इस मेटल को हमको हटाना है तो क्या करेंगे, बेब चीजल होती है, बेब चीजल को यहाँ बीच में ऐसे रखेंगे और हैमर द्वारा चोट मारेंगे, ऐसे यहाँ फिर यहाँ पर भी मारेंगे, इसको भी यहाँ मारेंगे, इसको यहाँ मारेंगे, ऐसे ऐसे चोट देंगे, इस तरह चोट देंगे तो ये मेटल निकल जाएगा। मतलब कहने का मतलब है चैन डीलिंग को हटाने के लिए, चैन डीलिंग करने के पश्चात मेटल को हटाने के लिए बेब चीजल का प्रयोग करते हैं। बस आज इतना ही।